हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग पीछे का नज़ारा देखकर तो आप लोग पहचान ही गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। तो हम आ चुके हैं वृंदावन का प्रेम मंदिर में, जो कि आप लोग को देखकर बहुत ही आज मज़ा आने वाला है। तो बने रहिए फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे वृंदावन का बहुत खास चीज, जो कि हम इसी गेट के रास्ते से आए हुए हैं अभी। और यहाँ पर देखे जाए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आपको मंदिर का दृश्य दिखाएं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रेम मंदिर लिखा हुआ है, जो कि अभी हम साइड से दिखा रहे हैं। अभी हम आपको हर तरह से दिखाएंगे। और तो फ्रेंड्स, जो ये गुंबद देख रहे हैं, इसके नीचे में एक बहुत ही बड़ा हॉल है, जो कि ये कृपालु जी का बनाया हुआ है। और यहाँ पे घास का जो ये सब देख सकते हैं, कितना अच्छा से कटिंग करके बनाया गया है। काफ़ी मात्रा में भीड़ है। और यहाँ पर कृष्ण जी का आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि फोटो। और ये सब भगवान पूरा मतलब अच्छा लगाया गया है। और यहाँ आप मंदिर का तो दृश्य मत पूछिए, आप प्रेम मंदिर में आए तो आपको प्रेम हो जाएगा प्रेम मंदिर से, जो कि हम आपको पास से दिखा रहे हैं। ये गुंबद जो कि बहुत ही बड़ा हॉल है, जिसमें इसमें कृपालु जी कथा कहा करते थे पहले। और यहाँ भीड़ की बात तो ना ही पूछे फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं गाय लोगों को सब बनाया गया है, मूर्ति गाय का सब। देखिए फ्रेंड्स, कृपालु जी का ये नाम से कुछ लिखा गया है, जो कि वहाँ टीवी में आप लोग को देख रहे हैं, वही है कृपालु जी, उन्हीं का ये सब बनाया गया है, बनाए हैं प्रेम मंदिर। और हॉल का अंदर का जो ये दृश्य है, वही था जो कि बहुत सारे काफ़ी लोग बैठते हैं वहाँ हॉल में। और ये गोवर्धन पर्वत का फ्रेंड्स ये दृश्य है। और आगे से मंदिर का दृश्य दिखाएं तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा लगता है, आप लोग देख सकते हैं। गोवर्धन पर्वत के पास से हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको बहुत ही मज़ेदार देखने के लिए मिलेगा। कृष्ण जी कैसे अपने अंगुली पर टांगे हुए हैं पर्वत को। देखने के लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अंदर। अब अंदर का आपको सीन दिखाएंगे कैसा आ रहा है। और ये हमारे आ गए हैं सुभाष तिवारी बाबा, जो कि ये हमारे पहले के मित्र रह चुके हैं, अभी भी मित्र हैं, मतलब पहले के नहीं है, हमारे गांव के ही हैं। तो अभी हम इनके साथ घूम रहे हैं वृंदावन प्रेम मंदिर। तो देखने के लिए अंदर का आपको सीन दिखाएंगे, देखने के लिए बने रहिए फ्रेंड्स।
आप लोग ने देखा वृंदावन का ये प्रेम मंदिर, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखिए हमारे यहाँ पर बड़े भैया भी मिल गए हैं, जो कि ये छोटे भैया और ये छोटे भैया। हेलो गाइस, देखिए ये लोग बहुत ही बढ़िया से ब्लॉगर को सपोर्ट कर रहे हैं। और तो कैसा लगा आपको प्रेम मंदिर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम अगला वृंदावन का एक और वीडियो लेकर आएंगे जल्द ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। और ये हमारे सुभाष भाई, जो कि ये काफ़ी हेल्प किया हमको प्रेम मंदिर घूमने में। चलिए तो राधे राधे।